कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शनिवार को बाड़मेर दौरे पर कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी के बेटे की याद में बनाए गए वीरेंद्र धाम छात्रावास के लोकार्पण करने के बाद आदर्श स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर से मुलाकात की। वहीं सचिन पायलट ने आलोक आश्रम जाकर करीब एक घंटे तक भगवान सिंह रोल साहब सर से विशेष मुलाकात कर आशीर्वाद भी लिया। गौरतलब है कि सचिन पायलट और भगवान सिंह रोल साहब सर की एक घंटे की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में हलचल पैदा हो गई है। किसानी और पढ़ाई ये दो साधन है कमाई के। किसान है वो मेहनत करके कमाता है और जो उनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो पदों पर बैठते हैं, फिर अच्छे नियम कानून बनते हैं, तभी देश का विकास होता है। तो पढ़ाई, शिक्षा व्यवस्था, वो पूरा जो वातावरण है वो निर्मित करने के लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और बार बार मैं जोर देता हूँ कि आने वाली जो नई पीढ़ी है उसकी प्रतिभाओं को सही जगह प्लेटफॉर्म मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है।